नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक अध्यापक हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं NIOS DLED ब्रिज कोर्स के बारे में जानकारी बताऊंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो NIOS DLED ब्रिज कोर्स के फॉर्म थे वो पिछले साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक भरे गए थे, और इसमें प्रिंसिपल वेरिफिकेशन कराने की जो डेट थी वो दिसंबर तक थी, दिसंबर 2017 तक, और उसके बाद जो डेट बढ़ के वो फरवरी तक हो गई थी। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो NIOS DLED ब्रिज कोर्स अभी तक सही तरीके से शुरू भी नहीं हो पाया है। अभी तक इसकी वेबसाइट पर सिलेबस और असाइनमेंट अपलोड नहीं हुए हैं। तो जो कैंडिडेट्स NIOS DLED का ब्रिज कोर्स कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं, वो कैंडिडेट्स काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं वो टीचर्स, क्योंकि वो NIOS DLED ब्रिज कोर्स की वजह से अपना स्कूल चेंज नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारे शिक्षक ऐसा भी हैं कि जो प्राइवेट स्कूल में थे और उन्होंने DLED ब्रिज कोर्स का फॉर्म भरा था, तो उन्हें किन्हीं कारणों की वजह से अपना स्कूल छोड़ना पड़ा है। तो अब वो ये परेशानी महसूस कर रहे हैं कि उनका ये ब्रिज कोर्स कैसे पूरा हो पाएगा। जैसे कि मैं आपको DLED ब्रिज कोर्स की साइट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो अभी यहाँ पे प्रिंसिपल वेरिफिकेशन का एक नया टैब आया है। लास्ट डेट फॉर वेरिफिकेशन बाय द प्रिंसिपल इज एक्सटेंडेड टिल 31st August 2018 फॉर PDP ET, दैट इज़ BEd कैंडिडेट्स ओनली। तो जो प्रिंसिपल वेरिफिकेशन है वो 31 अगस्त 2018 तक एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। ऐसे कैंडिडेट जिनका कि प्रिंसिपल वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया है, वो प्रिंसिपल वेरिफिकेशन करा सकते हैं। मैं अपने चैनल RG स्टूडियो में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, बैंक, रेलवे और जो भी नए प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के फॉर्म आते हैं उनके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल RG स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपने भी DLED ब्रिज कोर्स का फॉर्म भरा है तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने यहाँ पे, जैसे कि आप वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आता है, तो आप लोगों को अपने एरिया के जो NIOS DLED कोऑर्डिनेटर हैं, NIOS स्टेट कोऑर्डिनेटर, उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि ये प्रोग्राम कब से शुरू हो रहा है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स ये मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे या फ़ोन के द्वारा पता करेंगे, तो हो सकता है ये NIOS DLED के जो कोऑर्डिनेटर हैं या अधिकारी हैं वो इस कोर्स के प्रति सीरियस हों और इसे जल्दी कराने का सोचें, क्योंकि लगभग एक साल पूरा हो चुका है और अभी तक अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट पे ना तो सिलेबस अपडेट हुआ है और ना ही यहाँ वेबसाइट पे कोई भी असाइनमेंट आए हैं। अभी PCP जो क्लास होनी है DLED ब्रिज कोर्स की, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, और जो वर्कशॉप होनी है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे अगर वेबसाइट पे देखेंगे तो केवल अभी तक यहाँ पे क्लिक टू प्रिंट द आई कार्ड ओनली फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड टीचर्स, तो अभी केवल यहाँ पे आई कार्ड ही अवेलेबल हो पाए हैं। और इसमें जो स्टडी सेंटर पता करने के लिए जो टैब आ रहा है उसके द्वारा अभी स्टडी सेंटर भी नहीं पता चल पा रहा है। मैं अपने कंप्यूटर पर आपको दिखा देता हूँ। टू नो द एलोकेटेड स्टडी सेंटर क्लिक हेयर टू नो द डिटेल्स। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको कि अभी तक अपना, ये मैं एक रेफरेंस नंबर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना होता है, एंटर रेफरेंस नंबर टू नो द स्टडी सेंटर, स्टडी सेंटर इज नॉट एलोकेटेड। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको कि अभी तक अपना स्टडी सेंटर भी नहीं पता चल पा रहा है। तो अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो टीचर्स हैं, प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं ये DLED ब्रिज कोर्स की वजह से, क्योंकि वो अगर कहीं और दूसरे स्कूल में शिफ्ट होना चाह रहे थे तो वो हो नहीं पाए हैं। जैसा कि ये ब्रिज कोर्स में ये भी नियम है, अगर बहुत सारे प्राइवेट टीचर्स कुछ और काम करने की सोच रहे थे वो भी नहीं कर पा रहे हैं वो ब्रिज कोर्स की वजह से। तो
अगर जो भी टीचर से वीडियोस देखते हैं और अगर वो चाहते हैं जल्द से जल्द शुरू हो कोर्स, तो उन्हें ये अपने डीएलएड कोऑर्डिनेटर या हेड एनआईएस हेड क्वार्टर में ईमेल या फ़ोन के द्वारा ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि ये कब से शुरू होगा। उन पर दबाव बनाना चाहिए कि ये जल्द से जल्द इस कोर्स को शुरू करें ताकि ये समय से पूरा हो सके। तो और भी अगर कोई कैंडिडेट्स टीचर्स इस बात से एग्री हैं तो उन्हें ये आवाज़ उठानी चाहिए कि ये मतलब कोर्स कब से शुरू होगा और ये कब ख़त्म होगा। इस बारे में जब दबाव बनाएंगे तो हो सकता है सभी NIS इस कोर्स को शुरू कराए। अगर वो अलग से ये कोर्स नहीं करा पा रहा है तो उन्हें NIS जो DLED का प्रोग्राम चल रहा है, 2 साल का प्रोग्राम, उसकी जैसे कि PCP अब सितंबर अक्टूबर में प्रस्तावित है, अगर NIS ब्रिज कोर्स के लिए अलग से कोई प्रोग्राम नहीं बना पा रहा है तो उसे DLED कैंडिडेट्स के साथ ही ब्रिज कोर्स के कैंडिडेट्स को भी मर्ज कर देना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कृपया मुझे कमेंट करके बताइएगा और इस संबंध में आवाज़ अवश्य उठाइए ताकि जो DLED ब्रिज कोर्स है ये NIS जल्द से जल्द पूरा कराए। और अगर अलग से ब्रिज कोर्स वालों के लिए अलग से स्टडी सेंटर नहीं बना पा रहे हैं, अलग से PCP और वर्कशॉप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको जो DLED कोर्स चल रहा है NIS का, उसके साथ कैंडिडेट्स को मर्ज कर देना चाहिए ताकि ब्रिज कोर्स भी जो मार्च 2019 से पहले ख़त्म हो सके। अभी तक जैसे कि ब्रिज कोर्स स्टार्ट ही नहीं हुआ है, इसके जो सिलेबस और स्टडी मटेरियल है ये वेबसाइट पर देखेंगे, इसमें स्टडी मटेरियल की कोई जानकारी नहीं है, यहाँ पे असाइनमेंट वगैरह के लिए कोई जानकारी नहीं है, PCP कब होगी, वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी कब होंगी, इसकी कोई भी जानकारी नहीं आ रही है। तो मैं सभी कैंडिडेट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने ये DLED का ब्रिज कोर्स भरा है वो इस संबंध में अपनी आवाज़ उठाएं और जो भी वो कर सकते हैं, जैसे कि NIS DLED के जो यहाँ पे कांटेक्ट आता है यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं NIS स्टेट कोऑर्डिनेटर को एंड हेड NIS हेड क्वार्टर को, और ईमेल कर सकते हैं उनसे, ये कह सकते हैं कि ये जल्द से जल्द कोर्स कराएं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस वजह से काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपने भी ये ब्रिज कोर्स भरा है और आप भी ये परेशानी महसूस कर रहे हैं कि ये कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा, तो इस बारे में अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।